हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटेरियनिज्म को, यानी कि उपयोगितावाद। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, ठीक है, और हमारे साथ ही साथ नोट करते रहे। तो आज मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जितने सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा, सारे के सारे आपको उंगलियों पर जो टिप्स है वहाँ पर याद हो जाएगा, राइट। तो एंड तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखो, जेरेमी बेंथम इज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। जेरेमी बेंथम डिस्क्राइब किया यूटिलिटी को एज दैट प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस बेनिफिट एडवांटेज प्लेजर गुड और हैप्पीनेस। किस लिए? टू प्रिवेंट द हैपनिंग ऑफ मिसचीफ पेन इविल और अनहैप्पीनेस, राइट। अब देखो, यूटिलिटेरियनिज्म एक वर्सन है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म का, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म मीन्स परिणामवाद, ठीक है, जो बताता है कि किसी भी कार्य का परिणाम सही है या फिर गलत है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, मानक, राइट। जब हम कोई कार्य करते हैं तब हम कब बोलते हैं कि जे ये कार्य सही है, ये कार्य गुड है? जब हम इसका परिणाम यानी कि रिजल्ट देखकर बताते हैं ना, वही चीज़ है कॉन्सिक्वेंशलिज्म बोलते हैं। कोई भी एक्शन अच्छा कब है? जब इसका परिणाम अच्छा है। और कोई भी एक्शन बैड क्यों है? जब इसका परिणाम बैड है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कोई बंदा आपको बुरा हल करने के लिए आए थे और एंड में आपका ही फायदा हुआ, दैट मीन्स द वर्क इज़ गुड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिक्वेंशलिज्म, क्योंकि एंड में जो रिजल्ट आया वो तो गुड है, राइट। अरे चाहे आप जितना भी बुरा हो, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हो, तो अगर आपने एंड में अच्छे मार्क्स लेकर आए तो आपका मम्मी पापा आपको शाबाशी देंगे और तुमने जो कुछ भी बुरा किया वो सब भूल जाएंगे, राइट। आई होप कि ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो इस स्लाइड में क्या था, जेरेमी बेंथम इज द प्रोपाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और उन्होंने डिस्क्राइब किया यूटिलिटी को एज दैट प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच प्रोड्यूस बेनिफिट्स एडवांटेज प्लेजर गुड और हैप्पीनेस। किस लिए? टू प्रिवेंट द अनहैपनिंग अनहैप्पीनेस, ठीक है, हैपनिंग ऑफ मिसचेप पेन इविल, राइट। और यूटिलिटेरियनिज्म एक वर्सन है कॉन्सिक्वेंशलिज्म का, जो बताता है कि कोई भी जो एक्शन है वो गुड है और या फिर राइट, ये एक स्टैंडर्ड है, राइट। अब नेक्स्ट देखो, देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स दैट सर्व्स एज द बेसिक एक्सियम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो कौन कौन सा है? पहला है, प्लेजर और हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग दैट ट्रूली हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। प्लेजर और हैप्पीनेस केवल एक ही चीज़ है जो वास्तव में आंतरिक मूल्य है, राइट। अब दूसरा, कोई भी एक्शन सही है जब ये हैप्पीनेस की प्रमोट करता है और ये गलत है जब ये अनहैप्पीनेस को प्रोड्यूस करता है, राइट। अब थर्ड, तो सभी का हैप्पीनेस इक्वल काउंट्स होना चाहिए, राइट, एवरी वंस हैप्पीनेस काउंट्स इक्वली। अब ये एग्जांपल देखो, ये एक ट्रेन है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रही है, ठीक है, और कुछ गुंडों लोगों ने आपके सारे दोस्त को मार पीट कर इस लाइन पर बांध दिया, ठीक है, और आपको यहाँ पर जो लीवर होता है वो लीवर को पकड़ कर खड़ा कर दिया। तो अब तुम क्या करोगे? ट्रेन को किस ट्रैक पर लेकर आओगे, जहाँ पर 5 फ्रेंड्स बांधा हुआ है या फिर जहाँ पर 1 फ्रेंड बांधा हुआ है? तो अगर आपने यूटिलिटेरियनिज्म पे बिलीव करते हैं तो आपने ये सोचा होगा कि एक ही जीवन से 5 लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पर ट्रैक पर लेकर आओगे। तो यहाँ पर जो थर्ड एक्सियम है कौन सा, ना सभी का हैप्पीनेस इक्वली काउंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सियम है वो गलत हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है वो उपयोगितावाद का क्रिटिसिज्म है, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अब इसे कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, रूल यूटिलिटेरियनिज्म
ये मिल ने दिया था, मिल ने प्रोपाउंडर है, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम, मोटिव एडम्स, ठीक है, आइडियल जी ई मोर, नेगेटिव कार्ल पोपर और जॉन वाटकिन, प्रेफर पीटर सिंगर और हेयर, और रैशनलिज्म रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म सिडविक। अब इसका एक न्यूमोनिक बना था, देखो ये एक बंदा है, ठीक है, जैसा भी हो ये एक बंदा है, ये राम है, इसका नाम राम है, ठीक है, ये पीता था पोत, ठीक है, ये हेयर के साथ पीता था और ये पी पी कर एम ए कम्प्लीट किया, ठीक है। अब एक आइडिया लेकर गया मूर के पास, लेकिन वह पर और दो बंदा मिल गए, ठीक है, ये दोनों बंदा है, ठीक है, एक है वाटकिन और दूसरा है प्रॉपर, ठीक है, वो दोनों नेगेटिव सोचते थे, इसलिए वो रैशनल होने के लिए, ठीक है, हेनरी स्विडिच के पास चला गया, लेकिन वो रैशनल नहीं बन पाया। अब मैं इस कहानी को इसके साथ रिलेट करता हूँ, देखो ये जो राम है उससे आप कैसे याद रख सकते हो, आर फॉर रूल यूटिलिटेरियनिज्म और एम फॉर मिल, और वो किसके साथ पीता था, हेयर के साथ पीता था, और वो पी पी केयर एम ए कम्प्लीट किया, देखो पी फॉर प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म और पी फॉर पीटर सिंगर, ठीक है, और ये पीता था हेयर के साथ, तो प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म पीटर सिंगर और हेयर, राइट, और ये मास्टर्स कम्प्लीट किया, ठीक है, एम फॉर मोटिव यूटिलिटेरियनिज्म और ए फॉर रॉबर्ट एडम्स, राइट। वो एक आइडिया लेकर गया था मूर के पास, देखो आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म ये जी ई मूर ने दिया, ठीक है। अब वहाँ पर दो बंदा मिल गए, कौन कौन, वाटकिन और प्रॉपर, वो दोनों नेगेटिव सोचते थे, तो नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म जॉन वाटकिन और कार्ल पोपर, राइट, वो इसलिए रैशनल होने के लिए वो हेनरी स्विडेज के पास चला गया, तो रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म वो कौन सा दिया था, हेनरी सिडविक ने दिया था, राइट। आई होप कि ये आप लोगों ने नहीं भूलोगे। अब हम ये सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले हम बेंथम से शुरू करेंगे, तो बेंथम्स का जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो थ्योरी है वो क्या है, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। देखो बेंथम का एक फेमस कोटेशन है, वो क्या है, देखो नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सबवर्जिन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर, इट इज़ फॉर देन अलोन टू पॉइंट आउट व्हाट वी ऑट टू डू एज वेल एज टू डिटरमाइन व्हाट वी शैल डू। मीनिंग प्रकृति ने मानव जाति को दो प्रभु दिया है, पेन और प्लेजर, उसके बाद हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि हम क्या करेंगे, व्हाट वी शैल डू, राइट। अब बेंथम ने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, राइट, ये भी आपको याद में रखना होगा, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये बुक लिखा था बेंथम ने, राइट। बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म मे बी कॉल्ड ग्रॉस और सेंसुअलिस्टिक, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म को एडमिट नहीं किया है, ये क्वांटिटी को ऊपर जोड़ दिया है, राइट। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स, ये क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म या फिर क्वालिटेटिव प्लेजर के ऊपर जोर नहीं दिया है, एडमिट नहीं किया है, इसलिए इसका जो यूटिलिटेरियनिज्म है इसको ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म भी बोला जाता है और सेंसुअलिस्टिक भी बोला जाता है, राइट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है, और दूसरा कौन, न ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म, और तीसरा सेंसुअलिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। फॉर बेंथम एनी वन प्लेजर इज एज गुड एज अनदर प्रोवाइडेड दे आर इक्वल इन क्वांटिटी, राइट, ये इक्वल कब होता है, जब क्वांटिटी में बराबर होता है, राइट। अब प्लेजर कब प्योर होता है बेंथम के अकॉर्डिंग, जब पेन के साथ मिक्स नहीं होता है, ठीक है, पेन या फिर सफरिंग इसके साथ मिक्स नहीं होता है, तब जो हमारा प्लेजर है वो प्योर होता है अकॉर्डिंग टू बेंथम, राइट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और रूल यूटिलिटेरियनिज्म, तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म ये कौन ने दिया था,
किसने दिया था? ये बेंथम ने दिया था, राइट। और रोल यूटिलिटेरियनिज्म ये राम, याद है, ये मिल ने दिया था। तो देखो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या करिए, ये एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म लुक्स एट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल एक्ट एंड कैलकुलेट यूटिलिटी ईच टाइम द एक्ट इज परफॉर्म्ड। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं, और जो भी आप काम कर रहे हो तो उसको आप पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, राइट। और जो रोल यूटिलिटेरियनिज्म है वो भी कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे काम के ऊपर नहीं देखते, वो एक टोटल ओवरऑल यूटिलिटी के ऊपर देखते हैं, राइट। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कंसीडर्स ओनली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए सिंगल एक्ट, राइट। और जो रोल यूटिलिटेरियनिज्म है वो लुक्स एट ए क्लास ऑफ एक्शन एंड आस्क वेदर इन प्रिंसिपल्स इट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ द पीपल। और ये जो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है वो क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है, और जो रोल यूटिलिटेरियनिज्म है वो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, ये जो टर्म नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म ये क्वाइन किया था कार्ल पोपर ने, राइट। कार्ल पोपर ने एक बुक लिखा था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, राइट। इस बुक में वो नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है। नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, नो वी शुड एक्ट टू मिनिमाइज सफरिंग रदर देन द मैक्सिमाइज प्लेजर, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई वुड नॉट एक्सेप्ट इवन अ सिंगल डे इन हेल इन एक्सचेंज फॉर एनी नंबर ऑफ डेज इन हेवन। सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आपको एक घर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा में रखा जाएगा या फिर दूसरे घर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा में रखा जाएगा, तो आप किस घर में जाने के पसंद करोगे? ऑब्वियसली 20 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर है, ठीक है, मिनिमाइज सफरिंग, राइट। अब देखो सफरिंग इज बैड एंड हैप्पीनेस इज न्यूट्रल, द गोल इज टू मिनिमाइज टोटल सफरिंग, ठीक है। जो नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म के है जो उसका जो गोल है वो क्या है, मिनिमाइज टोटल सफरिंग, राइट। नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का जो कीवर्ड है वो क्या है, मिनिमाइज सफरिंग, ठीक है, ठीक है। ये छोटे छोटे कीवर्ड आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म, देखो आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म व्हिच स्टेट्स मिनिमली दैट प्लीजर और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर इज नॉट द ओनली गुड। अकॉर्डिंग टू ए सी यूइंग द बेस्ट एक्सपोजिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ व्यू इन इंग्लिश आर मूर्स प्रिंसिपिया एथिका एंड एथिक्स एंड रैसडल्स थ्योरी ऑफ गुड एंड इविल, ठीक है। यहाँ पर देखो मूर्स का दो किताबें दिया हुआ है, तो एक प्रिंसिपिया एथिका एंड दूसरा एथिक्स, राइट। अब रैसडल्स का जो किताबें है वो क्या है, थ्योरी ऑफ गुड एंड इविल, राइट। अब देखो मूर्स आर्गूमेंट फॉर आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म आर वेल नोन, ठीक है। जो मूर का आर्गूमेंट दिया हुआ है आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर, ठीक है, वो फेमस है। मूर रिगार्ड्स एन एक्ट एज राइट इफ इट इज प्रोडक्टिव ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड, ठीक है। और गुड क्या है, गुड इज नॉट आइडेंटिकल विथ प्लीजर बट इट इंक्लूड्स प्लीजर knowledge, beauty, virtue and social intercourse, right? According to Moore, good is undefinable. क्यों? क्योंकि good एक simple idea है, right? तो इस वजह से इन्होंने बोला कि जे good is not identical with pleasure, but it includes pleasure, knowledge, beauty, virtue and social intercourse. अब आता है preference utilitarianism, ठीक है। इसका जो main proponent है वो कौन है, Peter Singer, ठीक है। इसके अलावा और एक है, वो कौन है, आर एम हेयर, मैंने बोला था ना हेयर के साथ पीता था और पीपी के वो मास्टर डिग्री किया। तो जो पॉपुलर है, पॉपुलरिटी है वो है पीटर सिंगर का जो प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म वो, राइट। देखो उन लोगों ने प्रमोट किया है कॉन्सिक्वेंस को फॉर दोज व्हिच सेटिस्फाई द विशेस और प्रेफरेंसेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीइंग्स हु हैव प्रेफरेंसेस, राइट। इन अदर वर्ड
जितना अधिक लोग चाहते हैं उतना ही बेहतर है, नैतिक दृष्टिकोण से द वर्ल्ड इज, ठीक है। जितना ज़्यादा लोग की इच्छाएं कुंठित होती है दुनिया उतनी ही खराब होती है, राइट। इट इज़ द ओनली मोरली राइट टू फ्रस्ट्रेट द प्रेफरेंस ऑफ अदर्स इफ बाय सो डूइंग वी एनेबल मोर बीइंग टू सेटिस्फाई देयर प्रेफरेंस। एक्शंस को उनके जो सरल दर्द और खुशी है, ठीक है, उनके जो परिणामों पर आका नहीं जाना चाहिए, बट ऑन हाउ दे अफेक्ट द इंटरेस्ट द प्रेफरेंस ऑफ ऑल बीइंग्स इन्वॉल्व्ड, राइट। अब आरम हेयर ने क्या बोला, न एक्शंस आर राइट इफ दे मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शंस ऑफ प्रेफरेंसेस और डिजायर्स नो मैटर व्हाट द प्रेफरेंसेस मे बी फॉर। आरम हेयर के अनुसार यदि वो मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शंस करते हैं या इच्छाएं चाहे कैसी भी हो तो कार्य सही है, राइट। यही बोला था आरम हेयर ने प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर, राइट। अब द मोटिव यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ये दिया था रॉबर्ट एडम्स ने, राइट। मोटिव यूटिलिटेरियनिज्म इज अ यूटिलिटेरियनिज्म व्हिच स्टार्ट्स विद द इंडिविजुअल डिमांडिंग दैट दे कल्टिवेट द कैरेक्टर ट्रेट्स एंड स्किल्स दे आर लाइकली टू यील्ड द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब मोटिव यूटिलिटेरियनिज्म जो व्यक्ति के साथ शुरू होता है कल्टिवेट करता है कि वो चरित्र लक्षण और कौशल की जो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी पैदा करने की संभावना है। और ये जो उपयोगितावाद है वो फोकस नहीं करता किसके ऊपर, एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस के ऊपर, बट इट ऑल्सो कंसिडर्स द कैरेक्टर्स एंड मोटिवेशंस, ठीक है। इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, कैरेक्टर्स एंड मोटिवेशन, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखो इन दिस इट शेयर्स अ ग्रेट डील विद द वर्चू एथिक्स। 1976 में रॉबर्ट एडम्स ने मोटिव उपयोगितावाद को प्राथमिक मूल्यांकन केंद्र बिंदु के रूप में प्रेरणा लेता है और उन उद्देश्यों को समर्थन देता है जो ऑप्टिमल यूटिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि इष्टतम उपयोगिता, ठीक है। ऑप्टिमल यूटिलिटी ये भी एक कीवर्ड है, ये भी आपको याद में रखना होगा। ये मोटिव यूटिलिटेरियनिज्म इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ डिनोटिक व्यू अबाउट द मोरल राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन, बट ये एक इंस्टेंट व्यू है किसके ऊपर, द गुडनेस और बैडनेस ऑफ मोटिव्स, ठीक है। द व्यू होल्ड्स दैट द बेस्ट मोटिव वो है जो इष्टतम उपयोगिता देता है, ठीक है, यील्ड ऑप्टिमल यूटिलिटी, राइट। और लास्ट में आता है रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। ये किसने दिया था, हेनरी सिडविक ने। उन्होंने बोला कि जो प्लेजर है वो केवल अंतर्मूल्य है, व्हिच इज गुड इन इट्सेल्फ, राइट। प्लेजर इज अल्टीमेट डिजायरेबल, देखो यही तो हम लोग चाहते हैं, ठीक है। हमारे जो सिर्फ और सिर्फ जो मकसद है वो प्लेजर है, राइट। एडम्स आइडेंटिफाइज कॉन्साइंस विथ प्रैक्टिकल रीजन, और ये जो प्रैक्टिकल रीजन है ये किसने दिया था, कांट ने, राइट। और प्रैक्टिकल रीजन डिक्टेट्स करता है कि जो प्लेजर है वो सर्वश्रेष्ठ में होगा, ठीक है। प्लेजर इज द एंड दैट ऑट टू बी परस्यूड, ओके, नॉलेज ब्यूटी वर्चू एटसेट्रा एटसेट्रा। उपयोगितावाद के जितने सारे मेन मेन पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस कर दिया और जो कीवर्ड्स है वो भी बता दिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर इस सेशन का जो PDF है मैं वहाँ पर भेज दूँगी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार PDF को पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही था हमारा आज का सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक बटन को प्रेस करिए और अपने जितने सारे दोस्त हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू।